नमस्कार साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण खबर अभी अभी निकल करके आई है जो कि आई है उत्तराखंड शासन की तरफ से और जो प्रदेश के शासकीय कार्यालय हैं यानी कि जितने भी प्रदेश के ऑफिसज हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सभी में जो अवकाश घोषित किया गया था उसे बढ़ा दिया गया है जी हाँ बिल्कुल पहले जो यहाँ पे आदेश जारी किया गया था वहाँ पे 23, 24 और 25 अप्रैल को कोरोना को देखते हुए प्रदेश के सभी कार्यालय बंद किए गए थे और अब इसे बढ़ा करके छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाइस अप्रैल को भी ऑफिस को बंद रखने का यहाँ पे आदेश आ गया है और पहले के आदेश का यहाँ पे विस्तार किया गया है यानी कि सोमवार मंगलवार और बुधवार को भी प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय यानी कि जितने भी ऑफिसज हैं वो बंद रहेंगे जिसमें आवश्यक सेवाओं को आप अगर छोड़ दें तो उनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे और ये गतिविधि की गई है ये आदेश जो किया गया है इसका मुख्य कारण है कोरोना वायरस जो है उसकी जो दूसरी लहर लगातार देश के अंदर फैल रही है और प्रदेश में भी काफी भारी मात्रा में कोरोना के मरीज लगातार आजकल पाए जा रहे हैं इसी कारण ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्हें घर पर ही अपने ही मुख्यालय में रहने का आदेश यहां पर जारी किया गया है इस नोटिस में यह भी बात कही गई है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने मुख्यालय पर ही रहे और मोबाइल से चौन रखेंगे तथा तो किसी भी समय पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है कोई महत्वपूर्ण अधिकारी रहता है तो उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है तो यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो कि सचिव हैं उत्तराखंड के शासन के आ, उन्होंने यहां हम पहले आप तक जिनके सरकारी कार्यालयों में अक्सर काम पड़ता रहता है कि अगर उनका कोई काम यदि सरकारी कार्यालयों में था या जो कर्मचारी वहां पे नौकरी करते हैं जिनकी ड्यूटी है तो अगले तीन दिनों के लिए मंगल और बुद्ध के लिए पुनः उन्हें ऑफिस में नहीं जाना है यानी कि अगले तीन दिन फिर से कोई कार्य उनका ऑफिस में नहीं होगा और अगर कोई कार्य होता भी है तो उन कर्मचारियों को फोन के माध्यम से ऑफिस बुलाया जाएगा अति अनिवार्य स्थिति होने पर तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का